पॉइंट्स लास्ट कवर कर लिए थे कि जी इमेज आपकी रेलेवेंट होना चाहिए और जी कन्वे करना चाहिए उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कन्वे कर रहा तो वो इमेज फिर मुनासिब नहीं है। राइट मूड उसको कन्वे करना ज़रूरी है उसके लिए। इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक झलक में बंदा देख के उसको पहचान जाए कि अच्छा जी ये क्या चीज़ है, और कलर पैलेट में फ़िट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल डार्क में है और आपकी जो इमेज है वो कोई ज़ख्मी रेड किस्म के कोई कलर की है, तो बिल्कुल डिफरेंट आपके पैलेट से नहीं होना चाहिए, आपके पैलेट में वो कहीं ना कहीं फ़िट होना चाहिए। अच्छा, स्टॉक फ़ोटोज़ यहाँ पे कुछ वेबसाइट लिखी हुई है, लेकिन ये वाली जो वेबसाइट्स हैं इनमें से कुछ जो है वो अब नहीं चलेगी। जैसे गेटी इमेज है, अब गेटी इमेज वो पेड सर्विस है एक, तो आपने जाके जस्ट गूगल पे लिखना है कि फ्री स्टॉक इमेजेस, तो आपके पास वो काफ़ी सारी आ जाएगी। अनस्प्लैश हमने लास्ट टाइम यूज़ करके देखा था, अनस्प्लैश एक अच्छी सर्विस है, मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ उसको। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जिक्र कर रहे हैं कि जी आपकी वेबसाइट में इमेज को कहाँ पे रखना है, तो इन्होंने यह जिक्र किया है कि जी आप एक इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर बना लें और जितनी भी इमेजेस हैं आपके पास आप वो उस फोल्डर के अंदर डालें। अच्छा, हमने अभी क्या किया हुआ है, हमने उसको रूट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई आप जाके ना इसमें आप एक IMG और इसको एसेट्स के भी नाम से भी फोल्डर बनाते हैं लोग, कुछ लोग, तो इसको एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बना के इसके अंदर रख दूँगा मैं। अब मेरी इमेज जो है वो एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, जब इसको मैं अब लगाऊँगा इमेज को, तो लगाते वक्त भी अब मैं क्या करूँगा, वही वाला पाथ फॉलो करूँगा, तो मैं ये banner.jpg नहीं होगा अब, ये अब ये क्या होगा /asset/banner.jpg, अब ये इसका प्रॉपर पाथ होगा जिसके ज़रिए ये समझ आएगा इसको। अच्छा, वापस आ जाते हैं जी, तो इमेजेस के फोल्डर में इसको क्यों रखने के लिए कहा जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि अभी तो एक इमेज है मेरी वेबसाइट में, लेकिन इन फ्यूचर वो इमेज एक से ज़्यादा होगी, 4-5-6 या समटाइम 200-400 तक भी हो सकती हैं वो इमेजेस, तो आपका जो रूट है वो क्लीन रहे, अंडरस्टैंडेबल रहे, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, ऐसा ना हो कि रूट पे इतनी ज़्यादा इमेजेस हों कि वो फाइलें एक से दूसरी फाइल में जाना ही एक प्रॉब्लम बन जाए, तो इस वजह से वो एक फ़ोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करने का इन्होंने सजेस्ट किया है। अच्छा जी, इमेज का टैग हम लगा के देख चुके हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट आप सब लोगों को पता है कि अगर किसी भी वजह से इमेज लोड नहीं हो पाती है तो अल्टरनेट टेक्स्ट मुझे नज़र आता है, ठीक है जी। विर्थ और हाइट भी हमने लास्ट डिस्कस कर ली थी कि जी विर्थ और हाइट एग्जैक्टली आपने वही लगानी है जो उस इमेज की विर्थ और हाइट एक्चुअल में है। अच्छा, वेयर टू प्लेस इमेज इन योर कोड, अब ऐसी कौन सी जगहें होंगी जहाँ पे इमेज लगाना मुनासिब है। अच्छा, ये HTML के परस्पेक्टिव से बात नहीं हो रही, ये जो एक नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके परस्पेक्टिव में सेम ही बात है। ये कह रहे हैं कि आप एक पैराग्राफ से पहले भी इमेज लगा सकते हैं, एक पैराग्राफ के अंदर आप इमेज लगा सकते हैं, और पैराग्राफ के दरमियान में लगा सकते हैं, पैराग्राफ के एंड में इसने देखें जिक्र नहीं किया, तो इसने कहा कि पहले पैराग्राफ के अंदर या पैराग्राफ के दरमियान में इमेज लगा सकते हैं। जैसा कि आपने अखबार के आर्टिकल्स वगैरह में देखा होगा कि जी सम टाइम क्या होता है कि टॉप पे जो संडे का मैगज़ीन होता है उसमें टॉप पे एक बड़ी सी फ़ोटो होती है और उसके नीचे वो पूरा का पूरा आर्टिकल होता है, समटाइम ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है जी कि कॉलम आप पढ़ रहे होते हैं तो वो कॉलम जहाँ से स्टार्ट होता है उसके दरमियान में फिर एक छोटी सी फ़ोटो होती है और फिर उसके बाद वो कॉलम वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। तो ये हो गया जी, यहाँ पे इन्होंने कोड इसका लिख कर बताया है, इसका रिज़ल्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है जी कि पैराग्राफ से पहले एक इमेज लगा कर दिखाइए, पैराग्राफ के अंदर, अच्छा पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के शुरू में ना, इसमें तो देखने में सेम लग रहा है ना, मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट में तो ये सेम चीज़ है, लेकिन HTML में क्या है कि जी इन्होंने आप देखें इमेज एक यहाँ पे अलग लगी हुई है, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, और उसके बाद ये पैराग्राफ है। अच्छा, दूसरे वाले में क्या है कि पैराग्राफ के टैग के अंदर इमेज है, तो अगर टेक्निकली हम देखें तो पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर या पैराग्राफ के मार्कअप के अंदर इमेज हम लगा सकते हैं HTML के अंदर, तो दिखने में नीचे वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है लेकिन एक्चुअली वो एक इमेज पैराग्राफ के मार्कअप के अंदर लाया कर रही है, एक उससे बाहर लाया कर रही है, और एक है ये पैराग्राफ के दरमियान में कि जी पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिखा है इन्होंने और उसके बाद फिर एक इमेज का टैग लगा दिया और उसके बाद दोबारा से कुछ टेक्स्ट इन्होंने लिख दिया।
अच्छा जी, अलाइनिंग इमेज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि साइड बाय साइड, राइट टू लेफ्ट जो है इमेज को सेंटर अगर करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे? अच्छा, ये ओल्ड कोड इन्होंने लिखा है, लेकिन अलाइन का टैग इन्होंने अलाइन का एट्रीब्यूट लगा के इन्होंने उसको सेंटर करना बताया, तो ये ऑब्वियसली ओल्ड कोड है। अच्छा, इनका जो न्यू कोड है ना, अलाइनिंग इमेज वर्टिकली, अब वर्टिकली क्या है कि टॉप टू बॉटम सेंटर करना, इसमें भी इन्होंने ओल्ड कोड जिक्र किया। अब इनका जो ये ओल्ड कोड है ना, जो इन्होंने नया वाला कोड भी बताया है फर्दर आगे जाके, तो वो कोड भी ना अब आउट ऑफ डेट हो गया। इमेज को या किसी भी एलिमेंट को अलाइन करने के लिए हम फ्लैक्स बॉक्स चीज़ पढ़ेंगे, जब CSS शुरू करेंगे हम, तो फ्लैक्स बॉक्स के नाम से एक चीज़ है। तो CSS में इन्होंने ये अलाइनिंग वाला ना दोबारा से डिस्कस किया है, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स क्योंकि काफ़ी रीसेंट है तो वो इस बुक में उसका जिक्र नहीं है, तो हम वो फ्लैक्स बॉक्स वाली अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी ये वेब डेवलपमेंट के बैजेस पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप जाके लिखेंगे यूट्यूब पे फ्लैक्स बॉक्स और साथ में मेरा नाम लिखेंगे आप, इंजमाम मलिक, तो वो आपको कुछ वीडियोज़ पहले की मिलेंगी, तो अगर कोई चाहे तो उसको अभी अगर देखना चाहे तो देख सकता है, बट सजेशन मेरी ये है कि जो फ्लो क्लास के उसके साथ साथ आप चलें। ठीक है जी, तो ये ओल्ड कोड है, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं खुद से। अच्छा, अब एक तो वो रेलिवेंसी वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई थी, अब यहाँ पे ना ये मज़ीद कुछ उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहा है कि जी देर आर थ्री रूल्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन इमेज फॉर योर वेबसाइट। अब ये क्रिएटिंग एन इमेज जब यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जी कैमरे से इमेज को कैप्चर किया गया है और उसको फ़ोटो प्रोसेसिंग ऐप में डाल के, जैसे कि फ़ोटोशॉप वगैरह, उसमें डाल के उसको प्रोसेस किया जा रहा है जो भी उसमें ज़रूरत है प्रोसेसिंग की, और उसके बाद एक उसका प्रोडक्शन बिल्ड निकाल के वेबसाइट के लिए स्पेसिफिकली निकाली जा रही है। तो ये वो वाली बात कर रहा है कि जी व्हेन यू आर क्रिएटिंग इमेज फॉर योर वेबसाइट, कि जी एक रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट वाले ने भाई कैमरामैन बुलाया कि जी आप इसको तमाम डिशेस की हमारी फ़ोटो खींचें, अब वो फ़ोटो खींच के उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो USB में डाल के इमेज दे देगा। ठीक है। अच्छा, वो जो इमेज USB में डाल के देता है ना, वो दैट इमेज इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेबसाइट, वो इस हिसाब से देता है कि जी अच्छा आपने पिक्चर देखनी है और आप खोल के देख लें, शादी की फ़ोटो वगैरह में आमतौर पे वो वेब के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं करता वो। अच्छा, तो जब जाहिर है एक रेस्टोरेंट की फ़ोटो, डिशेस की फ़ोटो है, तो उसको कहाँ लगाना है जी, तो एक वेबसाइट पे लगाना है, तो आपने उसको क्या करना पड़ेगा, आपने उसको बताना है स्पेसिफिकली कि जी ये वेबसाइट के ऊपर लगेगी, ताकि वो उसको वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज़ कर दे फ़ोटोशॉप के प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है। अब अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे कोई इमेज अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है वेबसाइट के लिए, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करना भी हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर में सीखते हैं। वी गो इन टू ग्रेटर डिटेल ऑन ईच टॉपिक ओवर द नेक्स्ट 9 पेजेस। अभी कह रहा है ये वाली जो बात है ना, ये पूरे अगले 9 पेजेस पे यही बात हो रही है। अच्छा, तो नंबर एक क्या है कि सेव इमेज इन राइट फॉर्मेट। अभी कह रहा है कि भाई JPG एक फॉर्मेट होता है, एक GIF फॉर्मेट होता है, एक PNG फॉर्मेट होता है, अब इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपके लिए राइट है? तो राइट फॉर्मेट अभी वो डिस्कस होगा कि कौन सी पिक्चर कौन सी फॉर्मेट का क्या चक्कर है। सेव इमेज एट राइट साइज़, अब जैसा कि वो ऊपर इन्होंने जिक्र किया था कि जी हाइट और विड्थ का जो एट्रीब्यूट है इमेज में, वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो एक्चुअल इमेज का है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई इमेज मुझे 600 पिक्सल की दिखानी है, तो मुझे वो 600 पिक्सल की ही बनानी है फ़ोटोशॉप से उसको। वैसे तो 10 मेगापिक्सल का कैमरा है जी, उससे फ़ोटो खींची तो अच्छी खासी बड़े साइज़ की फ़ोटो होती है, लेकिन उसको मुझे 600 पिक्सल का अगर दिखाना है, तो वो जो मेरा फ़ोटो प्रोसेसिंग के बाद वो बिल्ड जो निकलेगी, वो 600 पिक्सल की ही होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सेव इमेज एट राइट साइड, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यू शुड सेव द इमेज एट द सेम विड्थ एंड हाइट इट विल अपेयर ऑन द वेबसाइट। इफ़ द इमेज इज़ स्मॉलर देन द विड्थ और हाइट दैट यू हैव स्पेसिफाइड, द इमेज कैन बी डिस्टॉर्टेड और स्ट्रेच्ड। अब कह रहा है कि जी आपने अगर 600 पिक्सल की वो इमेज दिखानी थी, लेकिन वो आपने इमेज बना दी 400 पिक्सल की, छोटी कर दी आपने, और अब आप उसको दे रहे हैं ज़्यादा विड्थ का एट्रीब्यूट, तो अब वो क्या होगा कि वो बड़ा तो उसको करके दिखा देगा, बट वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है। स्ट्रेच आपने देखा होगा कि
वर्टिकली सम टाइम ऐसे जो स्ट्रेच हुई भी दिख जाती है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ एक एग्जांपल कि स्ट्रेच फ़ोटो, इस तरह की फ़ोटो को ना स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है जी, ये बिला वजह में थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, जैसे कि ये वाली फ़ोटो आप देखें, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हुई हुई है थोड़ी सी, ठीक है, और ये वाली फ़ोटो जो है वो वर्टिकली स्ट्रेच हो गई है। तो एक आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि जी स्ट्रेच होने का क्या मतलब है। अच्छा, और डिस्टॉर्टेड का मतलब ये है कि जी अगर कोई छोटी इमेज है और ज़ाहिर है आप उसको बड़ा करके दिखाएंगे तो वो पिक्सेलेट हो सकती है। हाँ, तो या आप किसी इमेज को अगर जूम इन ज़्यादा करें तो भी आपको वो डिस्टॉर्शन उसमें फ़ील हो जाएगी कि डिस्टॉर्ट क्या मतलब है। इफ़ द इमेज इज़ लार्जर देन द विड्थ एंड द हाइट यू हैव स्पेसिफाइड, द इमेज विल टेक लॉन्गर टू डिस्प्ले ऑन द पेज। अब कह रहा है कि जी आपने 600 पिक्सल की इमेज डिस्प्ले करवानी थी लेकिन वो आपने बना दी है 1600 पिक्सल की, या इवन 900 पिक्सल की बना दी है, या इवन 50 पिक्सल आपने बड़ा कर दिया है, तो उससे होगा क्या कि इमेज का दायरा साइज़ बड़ा होगा क्योंकि उसके पिक्सल ज़्यादा हैं, उसका साइज़ बड़ा होगा, तो वो दैट इमेज विल टेक लॉन्गर टू लोड। आपकी वेबसाइट जब खुलती है, जब आपका पेज ओपन होता है, तो आपकी इमेज ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता लोड होती है, पहले टेक्स्ट लोड होता है उसके बाद इमेज लोड होती है, डिपेंडिंग ऑन कि उस इमेज का कितने KB या कितने MB साइज़ है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट वो इमेज जल्दी या देर से भी अब लोड हो सकती है। अच्छा, हम वेब डेवलपमेंट करते हुए हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जी हमारा जो यूज़र होगा ना उसके पास एक स्लो इंटरनेट होगा। ठीक है, हमेशा हम ये अजम्पशन रखते हैं कि जी उसके पास 3G कनेक्शन होगा, उसके पास जो है वो नॉर्मल 4G कनेक्शन होगा। हम कभी भी ये अज्यूम नहीं करते कि उसके पास 10 MB का इंटरनेट होगा। हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि उसके पास 1 MB का 500 KBPS का इंटरनेट है और उस पर वो सही खुलनी चाहिए। तो अगर मेरी एक इमेज में अगर 600 पिक्सल की दिखानी है और वो है 650 पिक्सल की, अब इस तरह की अगर मेरे पास 200 इमेजेस हैं तो अल्टीमेटली मेरे वेब पेज को ये काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर सकती है। तो एक एक KB एक एक बिट मायने रखता है जब व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट, क्योंकि एक मैं पढ़ रहा था रिसर्च कि जी आपका जो यूज़र है ना वो वेबसाइट से बाउंस का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा हॉस्पिटल लिखा या मैंने लिखा कार रेंटल, जो भी रिजल्ट्स आए मेरी स्क्रीन पे, अब मैंने पहला रिज़ल्ट ओपन किया, अब पहला रिज़ल्ट ओपन करने के बाद मैं 5-6 सेकंड उस पर रुका और मैंने बैक कर लिया वापस, तो इसको कहते हैं कि यूज़र बाउंस हो गया आपका। तो अगर आपकी इमेज या आपका जो वेब पेज है अगर वो स्लो लोड होता है, अगर वो लोड होने में 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा लगाता है, तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका जो यूज़र है वो वेबसाइट से बाउंस होना शुरू हो जाता है क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो वेट करता रहे। तो आपकी वेबसाइट जितना इंस्टेंटली खुलेगी उतना बेहतर है। अच्छा, ये तो सेकंड टाइम, जब पहली दफ़ा जब लिखा किसी ने कार रेंटल और जो रिजल्ट्स आए हैं, जाहिर है वो वेबसाइट पहली बार खोल रहा है वो ज़िंदगी में, है ना, तो वो खोला उसने। अब पहली बार वाला जो ना ज़्यादा क्रिटिकल है, पहली बार वाला ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इमेजेस जो लोड करेगा वो उसको करना ही पड़ेगा, केशे में से तो नहीं उठाएगा। वंस वो एक बार लोड हो गई इमेज ना, फिर दोबारा अगर मैं उस वेबसाइट पे आता हूँ तब तो जल्दी लोड हो, क्योंकि इमेजेस वो पहली दफ़ा जब खुलती है वेबसाइट तो वो कैशे कर लेता है एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना, गूगल क्रोम उसको कैशे कर लेता है, ये गूगल क्रोम का एक फीचर है। तो सेकंड टाइम की तो बात नहीं है ना, बात असल में फ़र्स्ट टाइम वाली की। तो फर्स्ट टाइम में हमें अपने जो वेब पेज का साइज़ है, ज़ाहिर है मेरे वेब पेज का साइज़ उसके अंदर मौजूद इमेजेस, उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह से मिलके बनता है, तो उसको मुझे शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं करना है कि मेरे वेबसाइट डिस्टॉर्टेड हो जाए या सही इन्फॉर्मेशन कन्वे ना कर पाए। तो मुझे पूरी बात भी बतानी है और मुझे साइज़ भी छोटे से छोटा रखना है। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि जी एग्जैक्टली जो साइज़ आपने डिस्प्ले कराना है ना, एग्जैक्टली उसी साइज़ की इमेज होनी चाहिए, ना छोटी हो ना बड़ी हो। नंबर 3, यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन। कंप्यूटर स्क्रीन आर मेड अप ऑफ डॉट्स नोन एज पिक्सल, इमेजेस आर यूज मेड फॉर टाइनी डॉट दिस 72 पिक्सल्स। अच्छा, इन्होंने ये बात की कि जी कोई भी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बनती है जो कि पिक्सल कहलाते हैं। अच्छा, तो आम तौर पे कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स हैं या डिजिटल स्क्रीन्स हैं जो, उसमें एक इस चीज़ को कहते हैं PPI, पिक्सल पर इंच। आप कभी फ़ोन वगैरह कोई नया ख़रीदते हैं तो उसकी आप स्पेसिफ़िकेशन देखेंगे ना, उसमें ये बात लिखी हुई होती है, या कोई लैपटॉप वगैरह भी आप ख़रीदेंगे उसकी स्पेसिफ़िकेशन में ये बात लिखी हुई होती है कि इसमें कितने पिक्सल पर इंच है।
ठीक है। तो ये डेंसिटी होती है, किसी भी स्क्रीन की डेंसिटी होती है। तो आमतौर पे कंप्यूटर की जो स्क्रीन्स हैं वो 72 पिक्सल पर इंच पे बनी हुई होती हैं, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि आपको अपने इमेजेस का जो रेजोल्यूशन है, जो डेंसिटी है, वो 72 पिक्सल पर इंच पे सेट करना है। अच्छा, 72 पिक्सल पर इंच एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा पैरामीटर है जो आमतौर पे आपको देखने में नहीं मिलता है, जो यानी एक नॉन टेक्निकल बंदे को ये देखने को नहीं मिलता है आमतौर पे। वो सिर्फ आमतौर पे साइज़ देख रहा होता है इमेज का, कि जी अच्छा ये 1080 पिक्सल की इमेज है, या ये जी 1600 पिक्सल की इमेज है, या ये जी 10 मेगापिक्सल की इमेज है। लेकिन डेंसिटी जो है वो उसकी बड़ी वैल्यू है, और उससे साइज़ पे इमेज का जो जो डिस्क में जो साइज़ ले रही है इमेज, उस पर बहुत असर पड़ जाता है अगर हम रेजोल्यूशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें तो। तो 72 पिक्सल पर इंच जो है वो ऑप्टिमल रेजोल्यूशन है उस इमेज के लिए जो मैंने वेबसाइट पे लगानी है या जो मैंने डिजिटल स्क्रीन पे देखनी है। अच्छा, अगर मुझे प्रिंट करना है इमेज को, तो उसके लिए 300 पिक्सल पर इंच जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। तो ये दो स्टैंडर्ड है, डिजिटल स्क्रीन के लिए 72 और प्रिंट के लिए 300। तो जी आपकी जो शादी की फ़ोटोज़ जो USB में डाल के देता है वो, तो वो ऑप्टिमाइज़ होती है प्रिंट के लिए, और वो 72 पिक्सल पर इंच पर नहीं होती, वो होती है 300 पिक्सल पर इंच पे। और यही वजह है कि उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है, 5-5 MB की एक एक इमेज होती है। अच्छा जी, अब इन्होंने ना टूल बताया जो फोटोशॉप, आप सब लोगों को पता है इस टूल के बारे में, कि जी यहाँ पे जाके ना आप इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और कुछ मज़ीद ऑनलाइन एडिटर्स का भी जिक्र किया है, पिक्सल आर और स्प्लैश अप और आई पिकी। तो अब फोटोशॉप जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा सा वो चूँकि पेड भी है तो हर कंप्यूटर में उसके अवेलेबल होने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। तो हम इसके अल्टरनेटिव में एक दूसरा सॉफ्टवेयर है और वो ऑनलाइन है, वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। पहले लेकिन हम ये जो तीन इसने आइडियाज़ की बात की है ना, इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद ये टूल हम सीखेंगे कि जी, क्योंकि जाहिर है अगर एक इमेज मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड की है, अब उसका साइज़ भी बड़ा है, उसका वो पिक्सल भी उसके अंदर ज़्यादा हैं, तो मुझे उसको छोटा तो करना पड़ेगा। तो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसको मैं इस्तेमाल करूँ, तो कोई एक सॉफ्टवेयर हम देखेंगे। फोटोशॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बुक में सजेस्ट किया है, लेकिन उसके अलावा एक दूसरा मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इमेज फॉर्मेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो राइट फॉर्मेट उसने ज़िक्र किया था। अच्छा, JPG या JPEG, ये ऑलमोस्ट एक ही है, थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। तो ये JPG फॉर्मेट जो है, इसको JPEG भी बोलते हैं प्यार से। तो इसकी ये एग्जांपल्स हैं, ये एक दो तीन जो इमेजेस हैं ना, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वेन एवर यू हैव मैनी डिफरेंट कलर्स इन अ पिक्चर, यू शुड यूज़ JPEG। अ फोटोग्राफ दैट फीचर स्नो और एन ओवर कास्ट स्काई माइट लुक लाइक इट हैज़ अ लार्ज एरिया दैट आर जस्ट वाइट और ग्रे। अब कह रहा है ये जो बर्फ़ वाली आप जगह देखें ना, आसमान देखें आप या बर्फ़ देखें आप, ऐसा लग रहा है पूरा वाइट है। अच्छा, मगर ऐसा नहीं है ना। बट द पिक्चर इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी मैनी डिफरेंट कलर्स दैट आर सबटली डिफरेंट। कि जी थोड़ा थोड़ा जो है ना, अगर मैं इस पार्ट को जूम इन करूँ तो आप देखें ये पिक्सल्स अब इसके ना नुमाया होना शुरू हो गए इस पॉइंट पे आ गए। तो ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी हुई है इमेज, और इसके अंदर कोई भी पिक्सल दूसरे पिक्सल से इक्वल नहीं है। ये ऐसा लग रहा है वाइट है, लेकिन ये असल में डिफरेंट कलर है, ठीक है। और ये सनसेट वाले सीन में तो आपको दिख रही है कि ये जी काफ़ी डिफरेंट कलर है। ये इन्होंने धागे की फ़ोटो जो लगाई है कि रेड भी है और ग्रे भी है और डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है जी। ये मज़ीद तीन एग्जांपल्स आ गई इसकी। यहाँ पे भी आसमान जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा लग रहा है वाइट है, लेकिन ये असल में अलग अलग पिक्सल्स हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट है हर पिक्सल। ये एक दीवार है, जो कि दीवार वैसे तो वाइट है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं। तो फोटोग्राफ आम तौर पे जो है, जो मोबाइल से या कैमरे से जो फोटोग्राफ हम कैप्चर करते हैं, वो आम तौर पे जेपैग में ही होती है। और उसका रीज़न ये है कि जिस फोटो में ज़्यादा कलर्स होते हैं, रिच कलर्स होते हैं, वो JPG फॉर्मेट उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, अब अगला फॉर्मेट कौन सा है जी? जिफ। अब ये जिफ की ना कुछ आप देख लें एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी यूज़ जिफ और PNG फॉर्मेट व्हेन सेविंग इमेज विथ फ्यू कलर्स
और लार्ज एरिया ऑफ सेम कलर। अब यहाँ पे जो ये आसमान है ना, ये वाला, ये सेम कलर का, ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है, ये कोई रियल लाइफ की फोटोग्राफ नहीं है, इलस्ट्रेशन है, ये MS पेंट वगैरह पे बनाई गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अब आप देखें ये वाला जो लोगो है, इसके अंदर जो है ना लार्ज एरिया जो है वो सेम कलर का है, और बैकग्राउंड इसमें आप देखें जो ग्रे है, पूरा का पूरा ग्रे है, तो फ्यू कलर्स और जो बड़े बड़े एरिया के अंदर ना सेम कलर है इसमें, ये पिक्सल वाला सीन इसके अंदर ऑफ है। जैसे आप ये ड्राइंग देखें तो इस तरह की इमेजेस के लिए, या ये वाली इलस्ट्रेशन देखें, इतना बड़ा सा वाइट है, फिर इतना बड़ा सा रेड है, फिर इतना बड़ा सा, तो ये सेम कलर्स हैं इसमें। वो स्काई वाला सीन नहीं है कि जी वो वाइट है लेकिन हर पिक्सल अलग है, ये वाइट जो है वो बिल्कुल प्लेन और इवन वाइट है ये, ठीक है जी। तो ये इसने बात कर दी कि जी PNG। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद बात लिखी है कि जी वेन अ पिक्चर हैज़ एन एरिया दैट इज़ फिल्ड विद एग्जैक्टली द सेम कलर, इट इज़ नोन एज फ्लैट कलर्स, ठीक है जी। तो ये जो ऑरेंज कलर है ये फ्लैट ऑरेंज कलर है, या ये जो ब्लैक कलर है इसके पांडा के टांगों में, ये फ्लैट कलर है। लोगोज, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स ऑफन यूज़ फ्लैट कलर्स। ये जो ऊपर इसने दो तीन एग्जाम्पल दी कि जी अच्छा लोगो है या इलस्ट्रेशन है कोई, इससे चार्ट वगैरह बना हुआ है, तो उसमें वो फ्लैट कलर का इस्तेमाल होता है आमतौर पर। नोट डैट द फोटोग्राफ्स ऑफ स्नो, स्काई और ग्रास आर नॉट फ्लैट कलर्स। वो फ्लैट कलर नहीं है क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े पिक्सल डिफरेंट हैं आपस में। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना इन्होंने एक बात तो बता दी कि जी जिफ और PNG जो है वो फॉर्मेट यूज़ होगा इसके लिए। अब लेकिन जिफ और PNG में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, वो अभी थोड़ी देर में ये डिस्कस करेगा आगे। अच्छा, इमेज की डायमेंशन की अब ज़रा बात हो जाए कि जी वो करेक्ट साइज़ पे जो सेव करने की बात की थी, आइडिया नंबर टू, द इमेज यू यूज़ इन योर वेबसाइट शुड बी सेव्ड एट द सेम विड्थ एंड हाइट यू वांट देम टू अपेयर ऑन द पेज। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी इमेज एक्चुअल जो कैप्चर की गई है वो साइज़ में बड़ी है अगर, तो आप उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस द साइज़ ऑफ इमेज टू क्रिएट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द इमेज, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव 600 पिक्सल इमेज एंड 300 पिक्सल टॉल, एक ऐसी इमेज है जो जिसकी विड्थ 600 है और हाइट उसकी जो है वो 300 है, तो यू कैन रिड्यूस साइज बाई 50%। आप उसको 50% कर सकते हैं कि जी जो एक तरफ से 600 थी तो उसको 300 कर देंगे, दूसरी तरफ से 300 थी उसको आप 150 कर देंगे, तो ये 50% हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस विल क्रिएट एन इमेज दैट इज़ क्विकर टू डाउनलोड। अब ये ज़ाहिर है, जब आप उसका साइज़ रिड्यूस करेंगे, उसकी क्वालिटी को डाउन करेंगे, अब एक्चुअली इमेज की क्वालिटी भी डाउन होगी साथ साथ, उसका रिजल्ट ये होगा कि वो डाउनलोड जल्दी जल्दी होगी वो इमेज, ठीक है। लेकिन इसको करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते साइज़ को, एक सर्टन लिमिट तक ही आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, इंक्रीज साइज़, यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ फोटो सिग्निफिकेंटली विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ इमेज। अभी कह रहा है कि भाई इंक्रीज़ तो आप कर ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत कर लें शायद, जैसे 600 पिक्सल की इमेज है कोई तो आप उसको 610 कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे आप तो उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा जैसे छोटी इमेज को जूम करके मैं बड़ा कर लूँ तो उस तरह की उसमें जो है ना चीज़ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो इन्होंने इसका रिजल्ट बताया कि इमेज विल लुक ब्लरी, ब्लर हो जाएगी इमेज। चेंजिंग शेप, ओनली सम इमेजेस कैन बी क्रॉप्ड विदाउट लूजिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि जी अच्छा, एक इमेज कुछ इस तरह की थी, अब आपने उसकी सिर्फ हाइट कम की है, उसकी विड्थ कम नहीं की है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसका जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है उस इमेज के अंदर वो लूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ओनली सम इमेजेस कैन बी क्रॉप्ड एंड स्टिल मेक सेंस। कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो क्रॉप करने के बाद मेक सेंस नहीं होंगी फिर वो। यहाँ पे इन्होंने उसकी एग्जांपल बताई है कि जी एक पोर्ट्रेट इमेज है इस तरह की, उस पर एक एनिमल बना हुआ है, अब उस एनिमल की हाइट अगर उस फोटो की मैंने कम की ना तो गर्दन गया, और दूसरा ये है कि मैं दोनों साइड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करूँ तो ये भी कुछ मुनासिब चीज़ नहीं है। इंस्टाग्राम पे अक्सर ये वाला कर रहे होते हैं लोग कि साइड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करके ग्रेडियंट करके उसको लगा रहे होते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से एक इमेज है जिस पे एक दूसरा एनिमल बना हुआ है जो लैंडस्केप में है,
अब इसकी अगर मैं विड्थ को कम करता हूँ तो इस एनिमल का आधा मुंह गया, सही है, और या पैर गया एक साइड का उसके, तो इस इमेज की इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है, अब डिपेंडिंग ऑन के भाई इस ब्रांड के लिए ये पूरा हाथी कितना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है जी, इस ब्रांड के लिए ये पूरा हाथी कितना इम्पॉर्टेंट था, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम ये डिसाइड करेंगे कि अच्छा जी, हो सकता है ये सिर्फ इतना मुंह अगर दिख रहा हो तो इनफ हो, है ना, तो डिपेंडिंग ऑन के क्या सिचुएशन है, हम सम टाइम क्रॉप कर भी सकते हैं, सम टाइम नहीं भी कर सकते। यहाँ पे एक क्या बात होने वाली थी जो, अच्छा, अब आइडिया नंबर 3, इमेज रेजोल्यूशन। इमेज क्रिएटेड फॉर वेब शुड बी सेव्ड एट रेजोल्यूशन ऑफ 72 PPI, 72 पिक्सल पर इंच। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज द लार्जर द साइज ऑफ द फाइल, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक लंबा मज़मून लिखा है कि जी एक पिक्सल जो है वो क्या होता है, और ये 72 पिक्सल इन्होंने बताया कि जी डिजिटल स्क्रीन के लिए, और प्रिंट के लिए इन्होंने ये 300 DPI पर इंच। अच्छा, प्रिंट में ना टर्म अलग यूज़ करते हैं, DPI, तो DPI जहाँ पे भी लिखा हुआ आप समझ लेंगे प्रिंट की बात हो रही है, फ़र्क नहीं है वैसे उनमें कोई, लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग है प्रिंट की और डिजिटल स्क्रीन की। हाँ, डॉट पर इंच, क्योंकि वो प्रिंट के अंदर जो वो शायद उनका कोई प्रेस होती है जो उसमें डॉट्स होते हैं शायद, तो वो, अच्छा, डॉट का शेप भी चेंज होता है, पिक्सल स्क्वायर होते हैं, डॉट जो है वो शायद गोल होता है, या वो डायमंड शेप का भी होता है समटाइम, अगर आप वो न्यूज़पेपर में जो तस्वीरें छपी हुई होती हैं ना, अगर आप उसको गौर से देखें ना, तो उसका जो एक पिक्सल होता है वो स्क्वायर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, वो या तो सर्कल होता है या तो वो डायमंड शेप टाइप की चीज़ होती है, तो क्या कहते हैं, या कोई और भी शेप हो सकती है, वो हेक्सागन वगैरह भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के वो किस तरह के प्रेस में उसको छापा गया। ठीक है जी, तो अच्छा, इन्होंने यहाँ पे इस पैराग्राफ में असल में बताना ये चाहा है कि जी ज़्यादातर जो डिस्प्ले होते हैं ना, जो स्क्रीन्स होती हैं, वो 72 PPI पे सेट होती हैं, तो इस वजह से अगर आपने 72 PPI से ज़्यादा रखा ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम, यानी 95% ऑफ़ द टाइम उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। 5% जो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन की हुई है, DPI को इम्प्रूव भी कर सकते हैं आप अपने सिस्टम के ऊपर ना, तो वो उस तरह की कोई चीज़ अगर किसी ने की भी है तो फिर होगा, या रेजोल्यूशन बहुत बढ़ाई भी है अपने, उसने किसी ने अपने कंप्यूटर की, तो वहाँ पे आपको शायद उसका फ़ायदा हो, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है तो वो 72 पे ही सेट होता है। मिसाल के तौर पे मेरी पास इस वक्त जो स्क्रीन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो साइज़ है, अगर मैं जाके देखूँ यहाँ पे, कहाँ से आता है वो, तो वो कुछ समथिंग 2K के अराउंड इसका साइज़ है, ठीक है जी। ये इसके स्क्रीन का साइज़ है, 13 इंच की स्क्रीन है और ये इसका साइज़ है। अच्छा, अब 13 इंच की जो स्क्रीन है, अगर मैं उसको ज़ाहिर है पहला वाला जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और दूसरा वाला जो है वो वर्टिकल होता है, टॉप टू बॉटम जो साइज़ है मेरी स्क्रीन का, ठीक है। अच्छा, अब ये 13 इंच जो है वो डायगोनल होता है, अगर लेकिन मैं अगर हॉरिजॉन्टल भी अगर नापूँ अपनी स्क्रीन को, तो ये 9 इंच की ये है बालिश मेरी, तो ये 9 इंच और शायद दो और बचता है, तो शायद 11 इंच है ये, हॉरिजॉन्टली 11 इंच के अराउंड कुछ है। तो अगर मैं इसको 11 जगह डिवाइड करूं, तो मैंने कहा कि जी 2560 डिवाइड बाई 11, तो ये बनता है 232 पिक्सल पर इंच बनता है ये, ठीक है, ये 72 पिक्सल नहीं बन रहा, ये 232 पिक्सल पर इंच बन रहा है। अच्छा, लेकिन अब हम आ जाते हैं, ये जो इसने बताया ना, ये हार्डवेयर लेवल पे इसने बात की है कि जो हार्डवेयर है ना मेरे पास, वो इस साइज़ का हार्डवेयर मौजूद है। अच्छा, लेकिन अब सॉफ्टवेयर लेवल पे ना इसकी सिमुलेशन जो होती है वो 72 पिक्सल की ही होती है। अच्छा, अब मैं अगर जाता हूँ इसकी डिस्प्ले सेटिंग में, और मैं जाके ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो डिस्प्ले है वो कितने पे सेट हुआ हुआ है, तो आप देखें जो मेरा डिस्प्ले है ना वो 1440 पे सेट हुआ हुआ है, ठीक है। जो मेरा हार्डवेयर है उसके अंदर जो पिक्सल है, मतलब अगर मैं लिटरली बात करूं कि एक डिजिटल स्क्रीन में पिक्सल जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो एक डिजिटल स्क्रीन के अंदर जो एक पिक्सल होता है वो असल में एक छोटा सा बल्ब होता है, छोटी सी LED लाइट होती है
जिसमें तीन कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक यूट्यूब पे एक साहब ने वीडियो बना के डाली है, वो डिजिटल स्क्रीन को ना वो कैमरा लगा के वो जूम करता है, तो वो जूम करके देखने पे ये पता चलता है कि अच्छा जी वो एक पिक्सल ना एक्चुअली तीन लाइट्स हैं अलग अलग, और एक रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, जो RGB तीन बेसिक कलर्स होते हैं। अच्छा, अगर वो तीनों जल जाती है तो स्क्रीन वाइट दिखती है। जो हमने लास्ट कलर की डिस्कशन की थी कि जी कलर हमें दिखते कैसे हैं, तो वो तीन जो वैसे तो नेचर के अंदर सेवन कलर्स हैं जिससे मिक्स हो गए तमाम कलर बनते हैं, लेकिन डिजिटल स्क्रीन में तीन कलर्स हैं, तो वो तीन से ही मिलके 16 मिलियन तक के कॉम्बिनेशन तीन कलर से बन जाते हैं, ठीक है। ये जो तीन कलर है, 0 से 2 to 5, 0 से 2 to 5, तो इसके 16 मिलियन, आपने अक्सर देखा होगा TV वगैरह पे या मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन लिखा होता है कि 16 मिलियन कलर्स, तो वो उसका मतलब ये होता है कि ये RGB स्टैंडर्ड पे चल रहा है और इसमें एक पिक्सल में तीन कलर हैं, RG और B, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जब मैं वाइट स्क्रीन मेरे पास खुलती है, अगर ये वाला जो पार्ट है मेरी स्क्रीन पे जो इस वक्त वाइट दिख रहा है आपको, असल में ये बहुत सारे छोटे 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 LED लाइट्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, और वो सारी LED लाइट जब जल जाती है ना, एक LED लाइट में तीन कलर हैं, वो तीनों कलर जला देता है तो वाइट दिखता है। अब वो सारे वाइट दिख जाते हैं तो ये होता है। अब वो आप इमेजिन करें कि कितने कितनी लाइट्स हैं इसमें, अगर मैं वापस आऊँ अपने स्पेसिफिकेशन में, कितनी लाइट बताई थी इसने, ये इतनी लाइट हार्डवेयर में मौजूद है, 2560 लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे, और 1600 लाइट ऐसे वर्टिकली मौजूद है, ठीक है। किसी भी मॉनिटर के पीछे आप देखेंगे तो ये बात उसमें लिखी हुई होती है कि जी अच्छा जी इस मॉनिटर में कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल हार्डवेयर में कितने मौजूद हैं। अच्छा, अब लेकिन अब आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर में। अब मैं जाऊंगा इसके डिस्प्ले सेटिंग में, तो वहाँ पे ये मुझे बताएगा कि जी आपका जो करंट सेट हुआ है ना रेजोल्यूशन, वो 1440 है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर कम कर देता हूँ रेजोल्यूशन को, तो 1024 भी एक रेजोल्यूशन है जो मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक 1280 करके भी है और एक 1600 पिक्सल करके भी है, लेकिन मेरे पास 2500 पिक्सल पे सेट करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि हार्डवेयर में मौजूद है वो, लेकिन 2500 तक मैं पिक्सल इसके लेकर नहीं जा सकता। डिफ़ॉल्ट इसका जो है वो 1440 है। अच्छा, अब 1440 को ज़रा मैं, 10 इंच की स्क्रीन है, 11 इंच की स्क्रीन है ना मेरी, तो 11 इंच में ज़रा 1440 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये 130 पिक्सल आ गया। तो इस वक्त इस कंप्यूटर के अंदर जो मुझे पिक्सल पर इंच मिल रहा है वो 130 है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हार्डवेयर पे अगर कोई वेबसाइट खुलती है और उसकी इमेज 130 पिक्सल पर इंच तक हुई तो मुझे दिखेगी वो, ठीक है। लेकिन आम तौर पे ऑन एवरेज 72 पिक्सल पर इंच होती है। मिसाल के तौर पे आप जैसे ये वाला मॉनिटर है, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है वो इसका साइज़। अच्छा, तो आप किसी भी मॉनिटर के ना पीछे लिखा हुआ होता है, अंदर जाएंगे ना डिस्प्ले सेटिंग में, जाना ज़रा इस वाले कंप्यूटर में खोलना डिस्प्ले सेटिंग, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके ना डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना। अच्छा, इसमें रेजोल्यूशन नीचे देखिएगा क्या आ रहा है, ये पर्सनलाइज में चले गए आप शायद, इसमें नहीं जाना था। कट करें इसको, इसको कट करें ज़रा, आ रहा है? नहीं, इसको कट करें, ये आपने पर्सनलाइज खोल दिया, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग, हाँ ये सही खोला है। क्या लिखा हुआ आ रहा है साइज़? ग्यारह बावन जो है इसका वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अच्छा, ये 14 इंच की स्क्रीन है, ये कितने इंच की है? 17 इंच की है। तो 1152 को मैं डिवाइड करूँगा। अच्छा, 17 इंच जो वो डायगोनल है, तो हॉरिजॉन्टली कितना है? 9, और 9 के बाद शायद ये कोई 4 इंच के करीब है, तो इसका मतलब है कि शायद 9 और 4 13 इंच है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 13 पे, तो आप देखें 88 आ गया। तो ऑन एवरेज जो है ना वो 72 है, यानी 72 से कम नहीं होगा, 75 78 इस तरह होगा, तो ये वाला सीन है। अच्छा, हार्डवेयर में इसके भी ऑब्वियसली ज़्यादा पिक्सल होंगे, हार्डवेयर में इसके भी थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के अंदर थोड़े से वो कम आ रहे होते हैं, ठीक
ठीक है। अच्छा, वो थोड़े से कम करने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों ये करते हैं ऐसा। वो क्वाड पिक्सल को यूज़ करते हैं, वो चार पिक्सल को मिला के एक पिक्सल बना के दिखा रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि जी कलर वलर थोड़े एक्यूरेट आ जाते हैं, पता नहीं क्या। वो टेक्निकल चीज़ है, वो हमारा काम नहीं है। यानी आपके वाले लैपटॉप में अगर 130 से अबव हम करते हैं तो वो एक्स्ट्रा बर्डन होगा, वो एक्स्ट्रा बर्डन होगा। 130 से ऊपर अगर वो खोला ना मैंने तो वो दिखेगा नहीं मुझे, ठीक है। अच्छा, बट ये फिर इसका एक चीज़ और भी यहाँ पे मैटर करती है कि जी फिर मकसद क्या हुआ इसमें, जो 2.5K है ना ये स्क्रीन, कहाँ गई, दोबारा आ जाते हैं वहाँ पे। अब ये 2500 का मतलब है 2.5K है ये, तो अब इसका देने का मकसद क्या हुआ? इसका देने का मकसद ये है कि जब मेरे पास ना वीडियो वगैरह जब चलेगी ना, जब किसी भी जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सब में सेम है ये, तो ये वैसे तो मुझे दिखा रहा है कि 1440 है मेरा, लेकिन अगर मैं इसमें 2K की वीडियो प्ले करूँगा तो वो 2K दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए ना ये ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ों के लिए उसको वो सिमुलेशन कम करके दिखा रहा होता है। तो अब जैसे कोई ब्लू रे वाली मैं मूवी उसमें चलाऊँ, कोई DVD से चलाऊँ या कोई नेटफ्लिक्स वगैरह से चलाऊँ मैं, तो जब मैं उसको देखूँगा ना तो वो मुझे जितने पिक्सल हैं उतने तक दिखाएगा। अगर वैसे तो 4K भी प्ले हो जाता है, मतलब अगर आपकी स्क्रीन 4K, हाँ वो आउटपुट आ रहा था वो इसी, हाँ वो इस ये वाला आ रहा होता है। तो 4K अगर वीडियो इस पर चलाऊँगा मैं तो वो उसको डाउन साइज करेगा और 2.5K मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हार्डवेयर में ज़्यादा देने की, ज़्यादा पिक्सल देने की टेंडेंसी आपको आजकल नज़र आ रही होगी कि जी अच्छा ये मैं आप इतने पिक्सल हैं उतने पिक्सल हैं, हाँ इस तक सपोर्ट कर सकता है, हाँ हाँ। अच्छा जी, तो ये पिक्सल की हमने कहानी समझ ली कि जी 72 पिक्सल का क्या चक्कर है। अच्छा, अब एक तरह की और इमेज होती है जिसको हम कहते हैं वेक्टर इमेज। इसमें पिक्सल का इस्तेमाल नहीं होता। जो पिक्सल वाली इमेजेस हैं, जो हमने तीन अभी फॉर्मेट देखे ना, जेपैग, जिफ और PNG, वो पिक्सल वाली इमेजेस हैं, उसमें पिक्सल का इस्तेमाल होता है। उसका साइज़ होता है, उसकी विर्थ और हाइट होती है, और उसका एक रेजोल्यूशन होता है पिक्सल पर इंच। तो ये पिक्सल से बनी हुई इमेजेस होती हैं। उस तरह की इमेजेस के लिए एक नाम होता है, उसको हम कहते हैं रास्टर इमेजेस। रास्टर कहते हैं या पता नहीं रास्टर कहते हैं, आई एम नॉट श्योर कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। तो वेल, तो एक होती है रास्टर इमेजेस, ये वेक्टर इमेज है, इसके अंदर पिक्सल का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, इन दोनों तरह की इमेजेस के लिए जो फोटो प्रोसेसिंग ऐप है वो भी अलग है। रास्टर इमेजेस के लिए जो ऐप है वो फोटोशॉप है, और वेक्टर इमेजेस के लिए जो है वो इलस्ट्रेटर या कॉरल ड्रॉ वगैरह है। अच्छा, अब ये क्या चक्कर है भाई, वेक्टर इमेज के अंदर अगर पिक्सल नहीं होता तो फिर होता क्या? इसके अंदर जो होता है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम बिट मैप इमेजेस। अच्छा, रास्टर इमेज को बिट मैप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली बिट्स का एक मैप बना हुआ होता है। वो हर पिक्सल के लिए वो तीन वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़, तो वो बिट मैप उसको इस नस्बत से भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जी वेक्टर इमेज जो है वो बिट मैप से जो है वो डिफरेंट है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है ये इमेज, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। आप इसको जूम इन करेंगे या जितना भी जूम आउट करेंगे ये पिक्सलेट नहीं होती, क्योंकि पिक्सल है ही नहीं इसके अंदर। वेक्टर इमेजेस आर कॉमनली क्रिएटेड इन प्रोग्राम सच एज एडोब इलस्ट्रेटर। अब इसने यहाँ पे ये नहीं बात की, वेल तो मैं बता देता हूँ अलग से कि ये ना एंगल्स और आर्क से मिलके बनी हुई होती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जी मेरे पास एक इमेज है, उसको बनाने का एक तो तरीका ये है कि अच्छा जी जैसे 16 पिक्सल की इमेज है, सिर्फ 16 पिक्सल, बहुत छोटी इमेज होगी वो, तो 16 पिक्सल की इमेज है, उसका मतलब पहले पिक्सल की क्या वैल्यू है, रेड ब्लू ग्रीन की, दूसरे पिक्सल की क्या वैल्यू, तीसरे, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जी मैं कहूँगा कि जी एक डॉट बनाओ, उस डॉट को 90 डिग्री पे 2 इंच ऊपर लेके जाओ, फिर वहाँ से 45 डिग्री पे इतने इंच आगे लेके जाओ, फिर वहाँ से ऐसे करते करते मैं पूरा ड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, ये लाइन से ड्रॉ होती है, एंगल से ये चल रहा होता है सारा गेम इसका। अब वो एंगल जो है वो तो चेंज नहीं होगा, आप जूम इन करें जूम आउट करें। तो यही वजह है कि ये वाली जो इमेज होती है इसके अंदर पिक्सल नहीं होते, बल्कि एक लंबी लिस्ट होती है वो एंगल की और आर्क की। तो और ये पिक्सलेट भी नहीं होती, आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें, अगर कोई सर्कल है या कोई 90 डिग्री पे कोई लकीर गई हुई है तो वो तो चेंज नहीं होती। तो ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है,
रास्टर इमेज जो है जो ब्राउज़र पे सपोर्टेड है वो SVG है उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोई SVG इमेज ज़रा देखते हैं इसको ट्राई करके। कोई SVG इमेज हमें मिल गई, हाँ ये आ गई जी हमारी एक SVG इमेज। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब। ये अगर SVG है ये तो फिर तो ये वेक्टर है ना, वो हम अभी नए टैब में खोलेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि ये वेक्टर है या नहीं है। अच्छा नहीं, ये PNG है, ये पिक्सेलेट हो जाएगी, इसमें डॉट PNG लगा हुआ है लास्ट में। हाँ फ्री पिक्स होगी। अच्छा अभी करते हैं, नहीं यहाँ पे भी तो कोई होनी चाहिए ना SVG इमेज। इस वाली इमेज को ओपन करके देखते हैं, नहीं ये SVG है, ये ना ये kiwi.svg है। अब इसको मैं जितना भी जूम करूँगा ना ये पिक्सेलेट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं अब इसमें एक ये आर्क घुमा हुआ है, ये असल में आर्क घुमा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हमें नहीं दिख रहे लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं पॉइंट्स। अब एक सर्टेन जगह पे जाहिर है इसका कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट है, जो आमतौर पे जो है बॉटम लेफ्ट जो होता है वो ओरिजिन होता है इमेज का। तो वो बॉटम लेफ्ट से उसने बोला कि अच्छा जी वर्टिकली इतने इंच आगे जाओ और हॉरिजॉन्टली इतने इंच आगे जाओ और यहाँ पे जाके गोल सर्कल बना दो, वो वहीं रहेगा, वो कहीं पे भी नहीं जाता। तो इसको मैं अब जितना भी इसको मैं जूम इन कर लूँ या इसको जूम आउट कर लूँ तो ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है जी। देखें ये बिल्कुल शार्प है। ऑन अदर एंड अगर PNG इमेज भी है या कोई SVG भी है तो वो क्या होगी, पिक्सेलेट होगी। अच्छा इसको मैं जूम आउट भी कर सकता हूँ, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको मैं कंट्रोल एस करके क्या करता हूँ, सेव भी कर सकता हूँ, ये मेरे डाउनलोड के फोल्डर में जाके सेव हो रहा है तो इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये देखें SVG फॉर्मेट में ही ये सेव भी हुआ है मेरे पास। अब इसको मैंने अगर लगाना है अपने पास तो मैं जाके खोलूँगा जी अपना ये डाउनलोड का फोल्डर और यहाँ से इसको मैं पकड़ के और लाऊँगा अपने एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एसेट्स के अंदर लाया ना, आप देखें ये क्या है, इसमें एक पाथ इन्होंने बताया हुआ है। तो ये है जी टोटल ये इमेज और इसका साइज़ भी आप देखें काफ़ी कम है, इसका साइज़ है 2 KB है, ठीक है, रास्टर इमेज से काफ़ी कम है इसका साइज़, क्योंकि रास्टर इमेज में एक एक पिक्सल होता है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ भी है कि जी Adobe Illustrator पे ये बना है और SVG एक्सपोर्ट हुआ है इसमें और ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको कितने पिक्सल पे खोलना है वो भी यहाँ लिखा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको 612 पिक्सल पे खोलना है, लेकिन इसको जितना भी जूम इन जूम आउट करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखें जब मैं इसको ओपन करूँगा ना तो ये 612 पिक्सल पे काइंड ऑफ ही ओपन हुई है। अच्छा इतने पे भी ओपन हो सकती थी लेकिन नहीं हुई क्योंकि अंदर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है कि जी 612 पे इसको ओपन करना है, ठीक है जी। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, अपने जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट में आके एक इमेज का टैग लगाता हूँ और /assets/kiwi.svg। तो ये इमेज मेरी कीवी की जो ऐसे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो SVG इमेज को अप्लाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, ये उसी तरीके से अप्लाई होती है जैसे एक नॉर्मल इमेज हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अपना ये HTML का डॉक्यूमेंट ये लास्ट हमने क्लास में बनाया था, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 612 पिक्सल पे क्योंकि अंदर लिखा हुआ था तो 612 पे ओपन हुई है। इसको मैं छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ। अच्छा इसमें ये मैटर नहीं करता कि जी कितने साइज़ की इमेज है और उसको डिस्प्ले कितने पे करवा रहे हैं क्योंकि इसमें साइज़ कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसको मैं जो है विर्थ का एट्रीब्यूट लगा के इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आता हूँ जी और मैं कहता हूँ विर्थ जो है ना इसकी आप लगा दो जी 350 पिक्सल, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मेरा HTML का पेज लोड होगा तो वो इस इमेज के लिए 350 पिक्सल की जगह छोड़ेगा और जब इमेज लोड होगी तो वो भी 350 पिक्सल की होगी, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, 350 पिक्सल हो गया। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि जी वेक्टर इमेजेस का क्या चक्कर है। एनिमेटेड जिफ, अब जिफ में जो है ना कुछ ऐसी भी फोटोज़ होती हैं जो एनिमेटेड होती हैं। अच्छा क्या होती है वो, क्या चक्कर होता है। एनिमेटेड जिफ
शो सेवरल फ्रेम्स ऑफ एन इमेज इन सीक्वेंस एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिंपल एनिमेशंस. अब जिसमें क्या होता है कि फ्रेम्स होते हैं, 8 या 9 या 10 या 12 फ्रेम्स होते हैं, जो क्या करता है वो उसका से जल्दी जल्दी चेंज कर रहा होता है. अच्छा, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है एनिमेशन बनाने के लिए. मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिए कि 1 से लेके 8 तक की स्लाइड्स या 1 से लेके 8 तक के फ्रेम इन्होंने बनाए एक जिफ एनिमेशन के. अच्छा, तो जिफ इमेज जो होगी उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक ही फ्रेम होगा, स्टिल इमेज होगी वो, या एक से ज़्यादा फ्रेम होगा तो वो चेंज हो रहा होता है जल्दी जल्दी. तो अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो हर इमेज यानी हर फ्रेम जो इसका वो एक प्रॉपर इमेज है हर फ्रेम. अच्छा, और इस फ्रेम को अगर मैं कंटिन्यूसली चेंज करूँ इस तरह से तो ये लोडर गोल घूमता हुआ नज़र आएगा. ये रेड वाला ऊपर है, इसमें रेड वाला थोड़ा राइट पे आ गया, फिर थोड़ा मज़ीद राइट पे आ गया, फिर थोड़ा मज़ीद राइट पे आ गया. तो अगर इसको मैं चेंज करता रहूँ 1 से लेके 8 तक जल्दी जल्दी तो ऐसा लगेगा कि ये लोडर घूम रहा है, और जितनी तेज़ी से चेंज करूँगा उतनी तेज़ घूमेगा ये, स्लो कर दूँगा तो स्लो घूमना शुरू हो जाएगा. तो ये भी इसमें हो सकता है. जो लोग फ़ोटो प्रोसेसिंग की ऐप इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप वगैरह, उनको पता है कि ये इसको बनाया कैसे जाता है. तो सम टाइम हमें एनिमेशन बनानी पड़ती है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर को हम कह देते हैं, वो बना के हमें दे देते हैं. ठीक है, अगर किसी को ख़ुद से बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इमेज के अंदर वो क्या चक्कर है. कुछ इमेजेस आपने देखा है कि जी उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. अच्छा, जेपैग इमेज के अंदर उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते हम. ठीक है, जेपैग इमेज जो होती है उसका बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट वाइट से शुरू होता है और ब्लैक तक जाता है. ठीक है, तो या ब्लैक से शुरू होकर वाइट तक जाता है, अभी वो आगे डिस्कस होगी बात वो वाली कि वो क्या चक्कर है. तो उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकता. ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज अगर मुझे चाहिए, जो कि आमतौर पर लोगो वगैरह लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि जी लोगो होगा ना तो उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे आऊँ और जैसे इसको मैं जब देखें उठाता हूँ ना, तो आप देखें बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है. ऑन अदर एंड अगर मैं कोई ऐसी इमेज उठाता हूँ, इसका देखें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड वाइट है. ठीक है, और भी हम एक दो इमेजेस देखते हैं जी, इसका भी बैकग्राउंड वाइट है. अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कि जी GitHub लोगो PNG. तो PNG एक बड़ा फेमस फॉर्मेट है बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ना, ये बड़ा फेमस है. अच्छा, ये वाला नहीं है बैकग्राउंड, इसका देखें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है. ठीक है ना, तो PNG में और GIF में ये पॉसिबिलिटी है कि इमेज का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो सकता है. उससे क्या होता है कि जी बैकग्राउंड में जो भी होता है आपकी वेबसाइट पे वो बैकग्राउंड में दिख रहा होता है एज इट इज़, और इमेज का कोई स्क्वायर फ्रेम नहीं होता. लोगो वगैरह के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगो हमेशा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके लगाया जाता है. तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्रिएटिंग एन इमेज दैट इज़ पार्शली ट्रांसपेरेंट फॉर वेब इन्वॉल्व सेलेक्टिंग वन ऑफ टू फॉर्मेट्स. कि जी या तो जिफ आपको लगाना पड़ेगा या तो लगाना पड़ेगा PNG, लेकिन कौन से टाइम पे आप जिफ लगाएंगे और कौन से टाइम पे आप PNG लगाएंगे, ये यहाँ पे बात डिस्कस हो रही है कि जिफ और PNG में जाहिर एक डिफरेंस है छोटा सा. इफ़ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज हैज़ स्ट्रेट एजेस एंड 100% ट्रांसपेरेंट, अगर सेमाई ओपैक वगैरह नहीं है, अगर आधा ट्रांसपेरेंट आधा वो ओपैक नहीं है, ठीक है, तो दो इसने क्वालिटी बताई. एक तो जी उसके स्ट्रेट एजेस होने चाहिए और 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. यू कैन सेव इमेज इन जिफ, इस तरह की इमेज जो है ना वो जिफ में होगी. इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना के दिखाई है कि जी ऐसे स्ट्रेट एजेस यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रेट एजेस हो, डायगोनल नहीं, डायगोनल में अभी दूसरी बात करेगा ये, हाँ कर्व वगैरह ये सब चीज़ें नहीं. ठीक है, स्ट्रेट एजेस हों और जो उसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना वो 100% ट्रांसपेरेंट हो, सेमाई ट्रांसपेरेंट नहीं हो, तो वो जिफ चलेगा. अच्छा, अब PNG की बात कर लेते हैं. इफ़ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज हैज़ डायगोनल और राउंडेड एजेस, जो आपकी बात आ गई कि राउंड अगर हुए हों, कर्व्स अगर हों उसमें, इफ़ यू वांट अ सेमाई ओपेक ट्रांसपेरेंसी और अ ड्रॉप शेडो देन यू विल बी यूजिंग
PNG फॉर्मेट। अब यहाँ पे इन्होंने PNG के लिए ना देखिए इसमें डायगोनल एजेस हैं और इसमें राउंड एजेस हैं, इस वाले में ये सेमाई ओपेक है, आधा दिख रहा है पीछे का आधा नहीं दिख रहा, और इसमें ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, पीछे हल्का सा शेडो आ रहा है। तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके अंदर PNG जो है वो ज़्यादा बेटर फॉर्मेट है। तो वो जो आइडिया नंबर वन था ये उस पर दोबारा आ गए कि जी राइट फॉर्मेट, सेव योर इमेज एट राइट फॉर्मेट। अच्छा अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये अभी वो हम थोड़ी देर में जब फोटोशॉप जैसी एक ऐप देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जी अगर ये स्ट्रेट एजेस होंगे ना और इस तरह की इमेज को अगर मैं PNG में सेव करूँगा और जिफ में सेव करूँगा तो जिफ में इसका साइज़ कम होगा, ठीक है, क्योंकि जिफ को इस हिसाब से बनाया गया है कि उसमें इस तरह की इमेजेस को सेव किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो फोटोग्राफ है जो रिच कलर वाली फ़ोटो है उसको जब मैं JPG में सेव करूँगा तो उसका साइज़ कम आएगा, अगर उसको मैंने PNG में कर दिया तो उसका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि PNG फोटोग्राफ्स के लिए डिज़ाइन नहीं है, जो ज़्यादा कलर वाली इमेजेस होती हैं उसके लिए PNG इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्मेट। तो वो अभी हम करके देखते हैं। तो जी ये इन्होंने बता दिया कि ये क्राइटेरिया कि इस तरह से होगा तो ये वाला फॉर्मेट इसके लिए बेस्ट है। अच्छा अब हम आते हैं ना वो वाला ज़रा सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर लेते हैं, और सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करके हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है फोटोपिया, सही है? अच्छा इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वैसे फ़ोटो पी है, सही है, वो पी जो दाल वाला पी होता है ना, वो है ये मटर वाला जो पी होता है, लेकिन फोटोपिया बोलने का भी एक अपना मज़ा है। अच्छा फोटोपिया इसको क्यों बोलने लग गए हम, उसका भी एक रीज़न है। जो एक यूटोपिया होता है ना, यूटोपिया और डिस्टोपिया, हाँ इथोपिया तो कंट्री है, लेकिन वो यूटोपिया ये होता है जो जो फिक्शन फिक्शन जो होता है, फिक्शनल जो मूवीज़ होती हैं या जो भी डायरेक्टर्स होते हैं तो वो जो मूवीज़ आमतौर पे होती हैं एक यूटोपियन उसकी कैटेगरी है, या नॉवेल्स जो है उसकी यूटोपियन कैटेगरी है। तो यूटोपिया क्या होता है कि वो उसमें दुनिया बहुत टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, बहुत आगे निकल गई है, और उसमें डेथ का क्योर भी फाइंड आउट हो चुका है। तो ये क्लासिकल यूटोपियन कैटेगरी में ये चीज़ें लाया करती हैं कि जी अच्छा जी, मतलब कुछ डायरेक्टर्स जिनका ये ख्याल है कि इन फ्यूचर वो डेथ का भी क्योर आ जाएगा और सब कुछ ओके ओके चल रहा है, टेक्नोलॉजी से ह्यूमैनिटी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, लोग फल रहे फूल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूटोपियन फ्यूचर, ठीक है ना, यूटोपियन फ्यूचर, यू से ही है यूटोपियन फ्यूचर है। एक है डिस्टोपियन फ्यूचर, डिस्टोपियन फ्यूचर में क्या होता है कि जी टेक्नोलॉजी ने ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर लिया है, इंसान गुलाम है, रोबोट की हुकूमत है और सब कुछ तहस नहस हुआ है। और जो डिस्टोपियन होता है वो आमतौर पे पोस्ट एपोक्लिप होता है, तो वो सब कुछ तहस नहस, उसमें आप जैसे टर्मिनेटर वगैरह के आप देखेंगे वो रिसेंट वाले जो उनके लास्ट वाले हैं तो वो सारे जो डिस्टोपियन हैं उसमें डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रक्टिव दिखाया है, या जैसे वो इंडिया वालों ने भी कोशिश की एक रोबोट मूवी बनाई थी उन्होंने, तो वो भी डिस्टोपियन फ्यूचर है कि जी फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी तरक्की तो कर गई है बहुत ज़्यादा लेकिन वो ह्यूमैनिटी के लिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो फिर एक पोस्ट एपोक्लिप वाले भी एक साइड है, पोस्ट एपोक्लिप में और भी कैटेगरीज हैं, जैसे पोस्ट एपोक्लिप में आप देखेंगे वो जॉम्बी वॉम्बी है, एपोक्लिप ये कहते हैं हम तो कयामत को मानते हैं, ये कहते हैं एपोक्लिप्स आएगा कुछ होगा बस सब तहस नहस हो जाएगा, और क्योंकि मतलब उनके बिलीव्स को लेकर उनमें एपोक्लिप के बाद भी ज़िंदगी है, हम तो ये मानते हैं कि एपोक्लिप पे सब ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी कयामत वाले टाइम पर, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई पोस्ट एपोक्लिप भी है कुछ ना कुछ। तो वो बस डायरेक्टर्स हैं वो अपना अपना दिमाग लगाते हैं, नॉवेलिस्ट जो या ड्रामा राइटर्स या जो भी लोग हैं। तो ये फोटोपिया बोलने का एक अपना मज़ा इसलिए क्योंकि ये यूटोपिया और डिस्टोपिया से एक मिलता जुलता वर्ड है। तो अब इसमें मैंने क्या करना है, ये ऐप खुल गई है, इसमें बहुत ही सिंपल है, आपने कोई भी फाइल लाके ड्रॉप कर देनी है। तो एक हमारे पास जो फाइल थी ना ये वाली banner.jpg, इसको मैंने खोला जी ओपन इन फाइंडर। ओके ये क्या हुआ, हाँ अब आप इसका साइज़ देखें 3.4 MB है और रेजोल्यूशन तो 72 है इसका, 72 पिक्सल पर इंच है, ठीक है वो दिखा रही है। डायमेंशन इसका जो वो 3800 है, मुझे 3800 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 900 पिक्सल मिसाल के तौर पे। अब इसको मैं कैसे छोटा करूँगा, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई फ़ोटो प्रोसेसिंग ऐप चाहिए, रास्टर फोटो प्रोसेसिंग ऐप। अब ये जो खोलिए ना मेरी रास्टर वाली है, ये वेक्टर वाली नहीं है,
वेक्टर के लिए इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ है, और भी होगा मुझे पता नहीं है उसका, ठीक है। तो अच्छा, ये भी बाय द वे हमारा काम नहीं है, ये फोटोशॉप वगैरह ये डिज़ाइनर करके देता है। अगर आप किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, वहाँ पे इक्वली डिवाइड है काम और अच्छे से मामला चल रहे हैं, तो वहाँ पे एक डिज़ाइनर होता है जो ये सारे मामला देखता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं। हाँ, वो कहता है यार कर लो ना, क्या होगा, सीख लो थोड़ा सा। तो इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके लाके और ड्रॉप कर दूँगा मैं यहाँ पर। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो आप देखें ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मेरे पास सेवरल ऑप्शंस मौजूद हैं, ज़्यादातर वो ऑप्शन है जो एक्चुअल में फ़ोटोशॉप में होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टूल वगैरह है मेरे पास, ये क्या है भाई, क्रॉप टूल है, तो यही मेरे काम का टूल है जो मैंने करना है। अच्छा, लेकिन क्रॉप तो मैंने नहीं करना ना, क्रॉप भी करना देख लेंगे हम। तो मुझे इस इमेज का साइज़ छोटा करना है और मुझे ये पूरा व्यू चाहिए जितना ये है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे इमेज के अंदर, और इमेज के अंदर मैं जाके यहाँ पे कहीं होता है वो इमेज साइज़, यस। अच्छा, एक इमेज साइज़ है, कैनवस साइज़ है, ठीक है। तो मुझे इमेज साइज़ चेंज करना है, इमेज साइज़ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि अच्छा जी ये 3800 पिक्सल की इमेज है। अच्छा, यहाँ पे एक ना एक वृत्त लिखी, एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे ना एक अदद लिखी हुई है विड्थ, एक अदद लिखी हुई हाइट। इमेज का साइज़ यहाँ पे मेगापिक्सल में भी ऊपर बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, मेगापिक्सल का मतलब ये होता है कि यानी ओवरऑल जितने भी पिक्सल हैं, आपको पता ना एक जी बाइट, उसके बाद किलो बाइट, हज़ार बाइट का एक किलो बाइट, फिर हज़ार किलो बाइट का एक मेगा बाइट, तो ये वो वाला मेगा है, ठीक है। तो मतलब एक पिक्सल, हज़ार पिक्सल का एक किलो पिक्सल, और हज़ार किलो पिक्सल का एक मेगापिक्सल, तो ये वो वाला चक्कर है। तो वो एक मिलियन काइंड ऑफ समथिंग बनते हैं एक मेगापिक्सल के अंदर, तो ये वो मेगापिक्सल में भी बता रहा है कि समहाउ अगर किसी को देखना हो उसके अंदर तो। अच्छा, विर्थ है, हाइट है, साथ में पिक्सल्स में है, ये परसेंटेज या सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन ये डिज़ाइनर के देखने की चीज़ है, हम फिलहाल जस्ट पिक्सल पे रहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी जंजीर बनी हुई है, इस पर मैंने क्लिक किया ना तो ये डिसेबल हो गई और ये वापस इनेबल हो गई। ये क्या चीज़ है, ये अटैच कर देता है विर्थ और हाइट को आपस में ना। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, और मैंने इमेज की विर्थ को कम किया, अब जाहिर है हाइट तो उतनी है, हाइट तो कम नहीं होगी, तो इमेज मेरी स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे 3800 था ना, इसको मैंने 1000 कर दिया और मैंने ओके किया, तो अब देखें इमेज मेरी स्ट्रेच हो गई, ठीक है, इमेज मेरी स्ट्रेच हो गई। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जेड करके इसको हटा देता हूँ, दोबारा मैं इमेज में जाता हूँ, ये क्या किया मैंने, दोबारा मैं इमेज में जाता हूँ और इमेज साइज़ पे जाके अब मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्शन को इनेबल कर देता हूँ। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि जब मैं इसको 1000 पे करूँगा ना क्लिक, और ये लिखने के बाद मैं बाहर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको ओके करूँगा अब, तो मेरी इमेज क्या होगी, हर तरफ से इक्वली चेंज हुई है ये, मेरी इमेज हर तरफ से इक्वली इसमें जो है ना चेंज आया है। अच्छा जी, तो अब ये इमेज कितने की हो चुकी है, 1000 पिक्सल की हो चुकी है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये मैं सेव करूँ अब इस फॉर्मेट में, इसमें सेव करूँ मैं जाऊँगा फाइल में, फाइल में जाने के बाद मैं करूँगा एक्सपोर्ट एज, ठीक है। और एक्सपोर्ट एज करके मैं सेलेक्ट करूँगा JPG। JPG क्यों सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये इमेज JPG वाली है। मैंने JPG पे क्लिक किया और अब देखें यहाँ पे ना JPG जो जब मैं इसको करता हूँ ना एक्सपोर्ट एज यहाँ पे जाके, तो फोटोशॉप के अंदर ना एक ऑप्शन आ रहा होता है ऑप्टिमाइज फॉर वेब, तो इन्होंने वो JPG में ही वो चीज़ रख दी। जैसे ही JPG पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखें आप लिखा हुआ है सेव फॉर वेब। तो सेव फॉर वेब के लिए ना मुझे देखो क्या क्या ये फैसिलिटेट कर रहा है, कि क्वालिटी अभी 100% है, यानी जो 1000 पिक्सल की है वो है। इसको अगर मैं अभी सेव करूँगा तो ये 143 KB की बनेगी। अच्छा, आप देखें कहाँ वो मेगा MBs में थी, ये KB में हो गई है अभी, इसका साइज़ कम करने की वजह से, ठीक है। और बिट में भी बता रहा है उसको, बाइट में भी बता रहा है, KB में भी बता रहा है, बाइट में भी बता रहा है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें इमेज का नाम यहाँ पर आ रहा है, इमेज का फॉर्मेट मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ,
विर्थ और हाइट इसकी आ रही है बीच में, ये देखें इनेबल हुआ हुआ है कि जी मैं यहाँ से भी चाहूँ तो मैं सेव करते वक्त इसको कम करके सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और पिक्सल में परसेंटेज सेंटीमीटर वगैरह, क्वालिटी को मैं मज़ीद कम भी कर सकता हूँ। अभी 70 पे सेट है, अब कितने था साइज़ इसका 70 पे 143 था ना, तो मैं इसके क्वालिटी को मज़ीद कम कर देता हूँ। अब देखें 106 हो गया, मज़ीद कुछ पिक्सल इसके जो है वो क्या हो गए, कम हो गए। अच्छा, अब ये जो बीच में बार बना हुआ है ना, ये पूरा जो बीच में व्यू बना हुआ है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मैं इमेज को जूम करके देख सकूँ कि जी क्वालिटी इसकी कहाँ पहुँच चुकी है इस वक्त। अब देखें आप, मैं इसकी क्वालिटी को वापस बढ़ाता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग आई है क्वालिटी में, ठीक है जी। अब इसको मैं अगर कम करता हूँ तो एक वाज़े डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, शायद प्रोजेक्टर पे तो इतने अच्छे से ना दिख रहा हो, फील हो रहा है फ़र्क? तो ये इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फुल करता हूँ तो ये 1 MB की इमेज बनती है, ठीक है। अच्छा खासा मैंने इसको जूम किया हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा इसको कम करता हूँ क्वालिटी को, तो ये थोड़ी सी पिक्सलेट हो गई। दोबारा वापस फुल करता हूँ तो ये दोबारा बेहतर हो गई है थोड़ी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी क्वालिटी आपके लिए एक्सेप्टेबल है, इसकी क्वालिटी को आप उतना कम कर देंगे यहाँ से, जितनी कम क्वालिटी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब आप देखें, मैंने 70% वापस किया है और 143 KB आ रहा है साइज़। फॉर्मेट को मैं JPG से चेंज करके जैसे ही PNG पे करूँगा ना, आप देखें 1.9 MB हो गया ये, सही है, क्योंकि दिस इमेज इज़ नॉट फॉर JPG PNG फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्योंकि मैंने गलत सेलेक्ट किया है, PNG सेलेक्ट कर लिया है जो कि मुझे नहीं करना था, तो ये साइज़ बढ़ गया उसका, उसकी वजह से 1.9। अच्छा, इसी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, अगर GIF सेलेक्ट करता हूँ तो GIF में भी आप देखें 500 KB आ रहा है, PNG से कम है लेकिन स्टिल अच्छा खासा है। तो यहाँ पे और भी फॉर्मेट्स हैं उसके अलावा, जैसे वेब पी आजकल एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है जो JPG ही है असल में, लेकिन वेब पी जो है वो वेब के लिए ऑप्टिमाइज्ड है एक्चुअली। तो आप देखें वेब पी सेलेक्ट करने से मज़ीद कम हो गया, ये JPG है वेब पी, लेकिन ये वेब के लिए है, ये वेब पिक्चर, यस, ठीक है। अब ये इसमें कई सारे और भी फॉर्मेट आपको नज़र आ रहे हैं, इन तमाम फॉर्मेट के बारे में आप अलग से स्टडी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि जी कौन सा, ये जो बाकी के फॉर्मेट हैं इसमें से कौन सा फॉर्मेट कौन से तरह के लिए सही है, ठीक है जी। तो मैं क्या कर देता हूँ, वेब पी करके ना इसको, और इसका सेव का बटन दबा देता हूँ। सेव का बटन जैसे ही दबाया, डाउनलोड हो गई इमेज ये, ठीक है। मैंने कहा कि शो इन फाइंडर, तो ये मुझे यहाँ पर इसने ना शो कर दिया, ठीक है। banner.webp और इसका साइज़ आ रहा है 117 KB, यहाँ पे इसका जो है ना डायमेंशंस भी बता रहा होगा ये, ठीक है, 1000 pixels by 750 pixels। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी, ये तो मुझे, मैंने इमेज का साइज़ तो कम कर दिया, इमेज का साइज़ कम करने के अलावा एक दूसरा काम ही हो सकता है कि क्रॉप करूँ मैं समटाइम। मैं चाहता हूँ कि नहीं जी, मुझे ना इसमें जो है वो 1000 pixels by 700 pixels नहीं चाहिए, मुझे 1000 pixels by 300 pixels चाहिए, क्योंकि मैं बैनर लगाना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के टॉप पे, तो वो बैनर का जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो 16:9 होता है, ठीक है। तो मैं इसको 16:9 के एस्पेक्ट रेशो में लाना चाह रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं वापस इस ऐप में, ठीक है। मैंने तो अभी तो डाउनलोड कर लिया उसको, लेकिन ये बंद तो नहीं हुआ ना, ये तो खुला हुआ है, यहाँ पे बंद भी हो जाता तो मैं वापस भी ला सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा जी, ये क्रॉप वाला जो टूल है ना, इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इस काम के लिए। क्रॉप वाले टूल में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री, ठीक है। एक फ्री क्रॉप होता है, एक फिक्स रेशो वाला क्रॉप होता है। तो मुझे चाहिए कि जी फिक्स रेशो वाला क्रॉप चाहिए मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि विर्थ में क्या होना चाहिए, मैंने कहा भाई 16, और यहाँ पे होना चाहिए 9। अच्छा, यहाँ पे बाय द वे पहले से बना के भी रखा हुआ है इन्होंने कि जी क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली 16:9 है या 3:2 है, ठीक है। देखें ऑटोमेटिक ये पकड़ रहा है इसको, ये तो 16:9 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 16:9 को सेलेक्ट करने से क्या हुआ, 16:9 को सेलेक्ट करने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली ना, आप देखें एक शेप में आ रहा है। इसकी मैं अगर हाइट को बढ़ाऊंगा ना, तो साथ में विड्थ भी बढ़ रही है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब देखें ये क्या हुआ है मेरे पास कि जी मैंने क्या किया, विड्थ को अलाइन किया अच्छे से। जब मैं विड्थ इसकी चेंज करता हूँ ना, तो ये एजेस पे आके थोड़ी देर अटकता है, तो वो उस अटकने पे मैंने इसको छोड़ देना, तो ये सही अलाइन हो जाता है। अच्छा, और मैंने कौन सा पार्ट इसका पकड़ना है, मैंने टॉप वाला पार्ट पकड़ना है, ठीक है। बल्कि बहुत ज़्यादा टॉप भी नहीं, AC हल्का सा इसका शो हो रहा हो, जो टॉप पे AC लगे हुए हैं, बाकी चेयर्स शो हो रही हों, और जो है ना
अच्छा ये कर दिया मैंने, और ये करने के बाद ये छोटा सा टिक का निशान है, ये मैंने कंफर्म प्रेस कर दिया, तो आप देखें ये इमेज क्रॉप हो गई है। ठीक है, तो अब पहले तो मैंने इसको रिसाइज करके 1000 पिक्सल की विड्थ पे किया, उसके बाद हाइट को चेंज करने के लिए मैंने इसको क्रॉप कर दिया। अच्छा, इस केस में आप देखें क्रॉप करने की वजह से मेरी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस नहीं हुई है। ठीक है, जितना मुझे क्रॉप करना था उतने अंदर मुझे डिटेल मिल गई है, छत भी आ गई है, काउंटर भी आ गया है, नीचे चेयर टेबल भी आ गई है, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, दोबारा फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट एज और JPG दबा के मैं, ठीक है जी, 113 पिक्सल JPG नहीं, इसको वेब पी में करूँगा दोबारा मैं, ठीक है जी, 90 KB हो गया अब साइज़ इसका, और इसको मैंने सेव का बटन दबा दिया। ठीक है जी, तो ये 90 KB पे मेरा ये तैयार होके आ गई है, ये पुरानी इमेज थी, ये अब नई इमेज है, तो पुरानी वाली को मैं कर देता हूँ डिलीट, और नई वाली को मैं क्या कर देता हूँ, उठा के ले आता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, ये आ गया मेरा ये बैनर वन, पुराने वाले को JPG को मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये जो नया वाला JPG है इसको banner.webp के नाम से मैंने सेव कर दिया। अच्छा, क्योंकि अब ये banner.webp है तो अब यहाँ पे लगाना भी उसी नाम से पड़ेगा, यहाँ पे banner.jpg नहीं चलेगा, webp। ठीक हो गया जी, अब मैं वापस इस पेज को ओपन करता हूँ, अगर कॉपी पाथ, तो ये बिल्कुल ठीक से अच्छे से ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है जी, रिफ्रेश किया मैंने, ये ओपन हो गया, तो ऑब्वियसली इसको मैंने साइज़ इसका कम किया है, तो क्वालिटी इसकी थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन जितनी क्वालिटी इस वक्त है राइट नाउ, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, वो 70% जो मैंने किया था उसको 100% कर दूँगा मैं, तो ऐसे करके। अच्छा, दूसरा, उसके अलावा अगर कलर मुझे रिच कलर्स चाहिए मज़ीद, या मुझे वाइब्रेंट कलर चाहिए, या मुझे इसके कलर को थोड़ा लाइट करना है अगर, तो फोटोशॉप में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें जो एक फ़ोटोशॉप का जो बंदा है वो ईज़िली कर सकता है, वो सारी चीज़ें करने के बाद और उसने एक्सपोर्ट कर देना। ठीक है जी, तो अब हमारे पास इसमें और तो नहीं कुछ रह गया, ब्राउज़र 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 अच्छा जी, ये फोटोपिया जो है ऑनलाइन है, अगर आपके पास ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है तो आप फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम है। ये वाला मैं इसलिए ज़्यादा लाइक करता हूँ इसको, कि फ़ोटोशॉप वाले जो मोटे मोटे फीचर्स हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो इसमें सारे इंस्टॉल नहीं इसको करना पड़ता, आप एक वेबसाइट खोलते हैं फ़ौरन सामने खुल के आ जाती है और फ़ौरन वो सारा काम हो जाता है आपके। फ़ोटोशॉप एक तो पेड सॉफ्टवेयर है, उसको फिर वो क्रैक व्रैक करना पड़ता है, फिर वो डाउनलोड करके, हाँ, एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन भी चाहिए, ये लो स्पेसिफिकेशन पे भी चल जाता है, तो अब एक बार उसको इंस्टॉल कर लो ना, तो वो फिर, हाँ जी दोस्त, जो पिक्चर का जो साइज़ है ना वो डिपेंड करता है, कि जी जितना छोटा साइज़ होगा पिक्चर का उतनी जल्दी लोड होगी, लेकिन छोटा साइज़ जो है वो एक उसका ड्रॉबैक भी है, कि बहुत छोटा कर दिया तो क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, तो एक कहीं ना कहीं हमें बीच में इसी वजह से इन्होंने हर जगह वर्ड यूज़ किया ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है ना, ये ऑप्टिमम कहीं बीच में एक लेवल होगा, बहुत ज़्यादा मतलब हमें एग्जेजरेशन कम में भी नहीं करनी है, बढ़ानी भी नहीं है, अगर क्वालिटी बहुत बढ़ा देंगे तो भी साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी बहुत कम, तो कहीं बीच में कोई ऑप्टिमम लेवल होगा, वो ऑप्टिमम लेवल कौन सेलेक्ट करेगा, कौन बताएगा, वो आप बताएंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है। हाँ हाँ, सारी पिक्चर वेब पी में सेव करें, लेकिन वेब पी में भी ना जो 70% है उसको आप देखें ना, मैं 70% को जब मैं 100% करूँगा ना, तो ये साइज़ बढ़ जाएगा इसका। मैं गया जी इधर और इसको मैंने वेब पी में किया, ठीक है, अभी ये 90 KB शो कर रहा है 70, अब इसको मैं 100 करूँगा ना जब, तो आप देखें 800 KB इसने बना दिया उसको, है ना, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी क्वालिटी चाहिए आप इसको बढ़ा सकते हैं या इसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसको जूम इन करके देखते हैं हम, कि जी 70 में और 100 में कितना डिफरेंस था, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है शायद, ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट ये जो क्वालिटी की सेटिंग है, इसको यूज़ करते हुए आप कहीं ना उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे आप, कि जी अच्छा जी इतनी क्वालिटी और इतना साइज़ मेरे लिए ठीक है। अच्छा, इमेज का जो साइज़ है एक वेबसाइट पर, बेहतर है कि वो KBs में हो, MB में ना जाए वो, ठीक है, 400-500 KB तक भी एक्सेप्टेबल है, अगर बड़ी इमेज है कोई आपको अच्छी क्वालिटी में दिखानी है, जाहिर है लैंडिंग पेज है आपकी दुकान का वो, अगर आपका लैंडिंग पेज में एक अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं होगी तब तो मसला हल नहीं है, तो
500 600 के बी 1 MB तक भी एक्सेप्टेड है, लेकिन फिर उससे ज़्यादा जो है ना बहुत स्लो डाउन कर देगा वो। ठीक है जी दोस्त। ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा कि जी आप हमारे पास ऑनलाइन तो इमेज कॉम्प्रेसर के नाम से तो बहुत सारी ऐप्स हैं, आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं वो आपको इमेज का साइज़ छोटा करके दे देता है, उससे भी आसान हल है। आप कोई भी बड़ी फ़ोटो है आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड करें किसी को, अपने आप को ही सेंड करें आप, तो वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप उसका साइज़ रिड्यूस कर देता है। ठीक है तो हम वो वाला क्यों ना यूज़ करें, हमें सॉफ्टवेयर का क्या बेनिफिट है। अच्छा इस सॉफ्टवेयर में और उस वाली अप्रोच में डिफरेंस ये है कि व्हाट्सएप से आप अगर भेज के साइज़ छोटा करते हैं ना किसी कंप्रेसर पे ड्रैग ड्रॉप करके, तो वो आपको फाइन ट्यूनिंग का कंट्रोल नहीं देता, आपके हाथ में कंट्रोल कोई भी नहीं होता। उसने वो जर्नल एक ही सब पे अप्लाई कर रहा होता है, आप वो एक बार आप उसने सेट जो कर दिया वही चलेगा, आप जो भी उसमें इमेज डालें। वो फॉर्मेट भी उसमें फिक्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जी वो JPG में ही कर रहा होता है या PNG में ही कर रहा होता है, तो वो मुनासिब नहीं होता। इसमें ये होता है कि जी थोड़ा मुश्किल है इस्तेमाल करने के एतबार से, ज़ाहिर है पता होगा तो चलाएगा ना बंदा, तो वो पता नहीं होगा तो गड़बड़ फंस जाएगा वो बंदा। तो नॉन टेक्निकल बंदों के लिए ये नहीं है, नॉन टेक्निकल के लिए वही है अप्रोच। टेक्निकल बंदा जो है उसके लिए बेहतर ये है कि वो ये वाला यूज़ करें, ताकि जाए जी आपको जब ज़ाहिर है पता होगा तो थोड़ा फाइन कंट्रोल आ जाता है। अब जैसे आप देखें इसको मैंने वेब पी करके ना 100 किया तो क्वालिटी 800 पे पहुंच गई है, अब मैं JPG करके इसको 100 करूंगा तो क्वालिटी 800 पे नहीं जाएगी, वो 1 MB पे जाएगी। ठीक है तो ये डिफरेंसेस हैं कि जी थोड़ा बहुत मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, समटाइम मैं देखूंगा कि अच्छा जी इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मिक्स कलर हैं, समटाइम ये होगा कि अच्छा नहीं थोड़े फ्लैट कलर्स हैं इसके अंदर, तो मैं शायद PNG भी ट्राई कर लूँ, मैं कह PNG ट्राई कर लेते हैं शायद उसमें कम आ जाए साइज़, तो मैं वो लगा दूंगा, तो मेरे पास अच्छा खासा कंट्रोल है इसके अंदर। और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आज की क्लास को यहीं पर फिनिश कर लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब ईद के